अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट के हवाले से, नेशनल सेविंग की स्कीमों के हवाले से, क्योंकि आज है 27 जनवरी 2024 और 26 जनवरी को जो ये सर्कुलर इशू हुआ है, सर्कुलर 26 को तो नहीं कहेंगे, 25 को सर्कुलर आ गया था, लेकिन 26 को ऑफिशियली अनाउंस हो गया और एप्लीकेबल भी हो गया है नेशनल सेविंग की तरफ से। 26 तारीख को नेशनल सेविंग की बहुत सी सारी प्रोडक्ट्स में जो है उनके प्रॉफिट तब्दील किए गए, कुछ के सेम रहे, कुछ के तब्दील हुए और जिनमें तब्दीली है वो अच्छी खासी आई है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से होने वाली है कि वो स्कीमें नेशनल सेविंग की जो इससे पहले, मतलब कल से पहले फेवरेट हुआ करती थी, जिनके हम बारे में आप हमसे जब सवाल करते थे तो हम कहते थे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, नेशनल सेविंग की ये स्कीम बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, वो हम उस बेसिस पे कहते थे कि उसका प्रॉफिट रेट के हवाले से, हम जो जितने भी एनालिसिस करते हैं वो उसके प्रॉफिट रेट के हवाले से करते हैं कि ये स्कीम अच्छी है। तो अभी ये हुआ कि जनाब प्रॉफिट रेट जो है तकरीबन वो तब्दील हो गया नेशनल सेविंग की स्कीमों का। तो जनाब आज की वीडियो हम इसलिए कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है कि अब वो स्कीमें जिनको हम कहते थे कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, हो सकता है अभी भी वो स्कीम नेशनल सेविंग के नंबर वन पे, और हो सकता है कि वो नंबर टॉप फाइव में भी ना रही हो। तो जनाब आज की वीडियो में हम उन टॉप फोर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे नेशनल सेविंग की, जिनमें अभी भी जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करना करना चाहिए आपको, और अभी टॉप पे वो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जनाब उन प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो प्रोडक्ट कौन कौन सी है। अच्छा, एक दो बातें जब तक ये वेबसाइट ओपन हो रही है, एक दो बातें मैं और कहूँगा अपने चैनल के हवाले से कि जनाब ये जो हमारा चैनल है नेशनल सेविंग एंड बैंक्स, इस चैनल को का जो मेन मकसद है वो यही था जनाब कि किस तरह अपने प्रॉफिट को और आपके प्रॉफिट को जो है वो 10 गुना बढ़ा दिया जाए लीगल तरीके से और बैंकों में इन्वेस्ट करके। ठीक है, और शॉर्ट टाइम में इस स्कीम अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके, उसके बाद कोई दूसरी स्कीम आई तो उसमें इन्वेस्ट करे बंदा। ठीक है, उसके बाद कोई तीसरी अच्छी स्कीम आई तो उसमें इन्वेस्ट करे, और इस तरह फिर जो है वो बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर करके हम अपने प्रॉफिट को 10 गुना बढ़ा दें लीगल तरीके से, इनलीगल की बात नहीं हो रही। तो इसी सिलसिले की आज वीडियो है कि अब नेशनल सेविंग को कौन सी प्रोडक्ट रह गई जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या जो है किन में इन्वेस्ट नहीं करने, तो अभी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि नहीं करने पे तो हमारी वीडियो नहीं है। अभी हमारे पास जो भी स्कीमें हैं वो नहीं है जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, नेशनल सेविंग की वो स्कीम जो अभी भी बहुत ही बेस्ट है और जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टॉप फाइव हमने इसको कैटेगराइज किया है, कैटेगरी किया है, क्योंकि कल ही जो है वो नेशनल सेविंग की स्कीमों में प्रॉफिट रेट कम हुआ, कुछ में तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो नंबर वन पे जो हमारे पास स्कीम है वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही है, सीसा। ठीक है, सीसा को हमने नंबर वन पे रखा है। इसकी वजह ये है कि इसका रेट प्रॉफिट रेट अभी भी बहुत शानदार है, 20.50 जो इसका वो रेट है, और इसका जो प्रॉफिट है वो डेली बेसिस पे जो अकाउंट का बैलेंस होता है उस पे क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि जैसे आपने 10 लाख रुपए रखवाया और 30 तारीख के बाद जो है आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ गया, फॉर एग्जांपल 10 लाख में 20 हज़ार का प्रॉफिट आ गया या 18 हज़ार, 15 हज़ार जो भी आ गया, उसके बाद क्या होगा, पहली तारीख हो जाएगी, अगले महीने की पहला दिन शुरू हो जाएगा, अगले दिन के पहले दिन के बाद जो है जैसे दूसरा दिन शुरू होगा तो होगा ये कि सिस्टम ने आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था 10 लाख रुपये उस पर भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया और प्रॉफिट रख दिया, और उसके अलावा जो आपका सेविंग जो आपका प्रॉफिट आया था 16-18 हज़ार रुपये उस पर भी आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे भी प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट मिलेगा। तो नेशनल सेविंग की जो नंबर वन प्रोडक्ट है हर लिहाज से वो इस वक्त सीसा है। प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, 20.50%, वुड यू बिलीव, अगर इसको राउंड अप करेंगे तो 21% का प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। एक तो इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी, दूसरी जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि डेली बेसिस पे जो आपका अकाउंट का बैलेंस होता है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, और हर महीने आपको मिल जाता है, दो अच्छे एडवांटेजेस हो गए।
तीसरी चीज ये कि इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी होता है, जिसको कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहेंगे। मतलब ये कि जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में थे, उसके बाद अगले जैसे ही महीना कंप्लीट हुआ तो आपको प्रॉफिट 20,000 रुपये आ गया, उसके अगले महीने क्या होगा आपके 10 लाख पे भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और आपका जो प्रॉफिट आया था 20,000 उस पर भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो मतलब ये कि प्रॉफिट हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है उसके पिछले महीनों के प्रॉफिट पर प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। तो 4-5 महीने बाद आप देखेंगे 10 लाख की जगह जो आपका प्रॉफिट होगा वो 11 लाख रुपये पहुँच चुका होगा और 11 लाख पे जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो सर्वे संग मध्य प्रॉफिट इसमें सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। मिनिमम 100 रुपये से हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकलवा सकते हैं और प्रॉफिट भी निकलवा सकते हैं, कोई इस पर किसी टाइप का इशू नहीं है, ना ही ऐसी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे चार्ज होंगे। बेसिकली सेविंग अकाउंट है तो नंबर वन पे जो है वो इस वक्त सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। नंबर टू की तरफ चलते हैं, इसके अलावा इसके हवाले से अगर आप कोई सवाल का पूछना, देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया डेली क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट कैलकुलेशन और डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट मंथ, ठीक है। हर महीने के जो आपके डेली जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। बहरहाल दूसरे प्रोडक्ट के चलते हैं, नंबर वन पे तो हमने आप लोगों को बता दिया कि नंबर वन पर जो नेशनल सेविंग की स्कीम है वो है जनाब सीसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उस स्कीम की जो इस वक्त हमारे जो है हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, और उस स्कीम का नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को जरा हमने लिस्ट पे दूसरे नंबर पे रखा है और पहले नंबर पे था सीसा। अच्छा देखिए, बहबूद को और सीसा में एक चीज़ सेम है, वो ये सेम है कि जो अभी कल प्रॉफिट रेट चेंज हुआ है नेशनल सेविंग की तरफ से 26 जनवरी 2024 की डेट में जो सर्कुलर इशू हुआ है उसमें ना सीसा का प्रॉफिट रेट कम किया गया और ना ही बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम हुआ। तो जनाब दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आपसे कहेंगे कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए आपको, और वो प्रोडक्ट है जनाब दूसरे नंबर पे हमारे हिसाब से वो है BSC बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का ये करंटली प्रॉफिट है वो 1340 रुपये है, वो लास्ट जो सर्कुलर इशू हुआ था 19 दिसंबर 2023 को, उसमें जो है इसका प्रॉफिट वो 20 रुपये कम कर दिया गया था और 1360 से 1340 कर दिया गया था। लेकिन अभी जो कल जो सर्कुलर इशू हुआ है 26 जैन 2024 की डेट में उसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम नहीं किया गया। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हमारे पास इस वक्त लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जिसका प्रॉफिट मंथली आपको जो 1340 रुपये के हिसाब से मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि 1340 के अलावा ये 1340 जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी है और नेट प्रॉफिट भी है, मतलब ये कि इस पर कोई टैक्स नहीं होता, ना ही इनकम टैक्स है, ना ही ज़कात टैक्स है और ना ही जनाब इस पर कोई विथहोल्डिंग टैक्स है। मतलब ये कि अगर 1340 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट भी यही होगा। तो लिस्ट के मुताबिक जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है हमारे लिहाज से हमारी पूरी टीम के लिहाज से नेशनल सेविंग की दूसरे नंबर प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, टॉप फोर प्रोडक्ट्स हमने आपके साथ शेयर करने हैं आज की इस वीडियो में। अच्छा जनाब, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आप कह रहे हैं कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो टॉप फोर में हमने जिनको सेलेक्ट किया जिस प्रोडक्ट को, डिफेंस सेविंग की नेशनल सेविंग की वो प्रोडक्ट है जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। कल जो सर्कुलर इशू है जनाब 26 जनवरी 2024 की डेट में, इसमें ये हुआ कि इसके भी प्रॉफिट रेट में कमी की गई है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के रेट में। लेकिन जनाब ये जो कमी है इसको हम कहेंगे कि बहुत बड़ी कमी नहीं हुई है इसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, वो इसलिए कि एक तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 10 साल के लिए आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल के बाद 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो इसका प्रॉफिट मिलता है। अच्छा जनाब, कमी क्या हुई है डिफेंस में, कमी हुई फिर भी हम इसको कह रहे हैं नंबर थ्री पे। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो एक बेहतरीन आपके स्कीम है, इसके सामने प्राइवेट बैंकों के भी स्कीमें फेल है। लॉन्ग टर्म 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं, NBP प्लस TDC अकाउंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन वो भी जो है इससे थोड़ा डाउन ही रहता है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हमेशा से ऊपर रहा है। तो जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में कमी हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन देखिए कमी कितनी हुई है।
पहले आपको मिलता था, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया है तो पहले क्या होता था, 10 साल बाद है आपको जो टोटल पैसे मिलते थे प्रॉफिट के साथ और आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, वो 3,82,000 रुपये मिलते थे आपको आज से पहले, कल से पहले, मतलब ये कि 19 दिसंबर 2023 को जो सर्कुलेशन हुआ था 1-1.5 महीना पहले, उसके मुताबिक जो है आपको 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तो 10 साल के बाद आपको 1 लाख के बजाय 3,82,000 रुपये मिलता था। लेकिन जो कल सर को इशू हुआ है उसके मुताबिक अब जो है वो 3,82,000 के बजाय वो 3,78,000 3,78,000 रुपये 3,78,000 रुपये जो है वो मिलेगा आपको 10 साल बाद। तो 10 साल की अगर कैलकुलेशन बनाते हैं 10 साल में जो प्रॉफिट में कमी आएगी वो 4,000 रुपये आएगी। तो 10 साल में अगर 4,000 रुपये कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है, माइनर से चेंजेस है। 10 साल में आपको 4,000 रुपये कम मिल रहा है प्रॉफिट। पहले था इस पे 1 लाख के अगेंस्ट 1 लाख रुपये अगर डिफेंस में रखवाते हैं तो 1 लाख के अगेंस्ट आपको 10 साल बाद 1 लाख के बजाय 3,82,000 मिलता था, अब मिलेगा 3,78,000। ठीक है, तो हमारे लिहाज से तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट एक बेहतरीन स्कीम है। ये शेड्यूल आपको, ये शेड्यूल जो हमने खुद बनाया है अपने आसानी के लिए और अपने साथ शेयर करने के लिए, इसमें देख लें ये इसका प्रॉफिट रेट है। ठीक है, और ये कम्प्लीट एक हमने एक्सेल शीट को अपडेट किया हुआ जिसमें 1 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट और उस पर जो है वो टैक्स और सारी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होंगी, और नेट प्रॉफिट फाइलर का क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट टैक्सेस काटने के बाद नन फाइलर क्या बनेगा, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट टैक्सेस काटने के बाद, तो कम्प्लीट वीडियो है। इसकी 1-2 वीडियो हमने आजकल में शेयर भी किए इस हवाले से। तो जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को हम जो है वो तीसरे नंबर पर रखेंगे, हमारे लिहाज से डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ही अभी भी एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है नेशनल सेविंग की। चलते हैं अपने आखिरी प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब वो कौन से प्रोडक्ट है वो देखते हैं। अच्छा जनाब, चौथे नंबर पे जो हमारे प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आपसे कह रहे थे कि हमारे पास लिस्ट में जो चौथे नंबर पे ये प्रोडक्ट है और इसका ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम है सेविंग अकाउंट। ठीक है, सिंपल सेविंग अकाउंट या इस तरह कह लें नेशनल सेविंग की कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है। ठीक है, एक होता है सीसा सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ये सर्व इस्लामिक नहीं है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। जैसे हर बैंक में सेविंग अकाउंट होता है इसी तरह नेशनल सेविंग का ही कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, सिंपल सेविंग अकाउंट है जैसे प्राइवेट बैंकों का होता है। तो जनाब इसका सेविंग अकाउंट, इसका प्रॉफिट रेट नहायत ही शानदार है। ठीक है, ये देख रहे ये अभी भी 20.50% पर है मौजूद इसका प्रॉफिट, और कल जो सर्कुलर शुरू हुआ 26 जनवरी 2024 की डेट में, इसमें इसके प्रॉफिट को नहीं कम किया गया। इसका प्रॉफिट जो 30 अक्टूबर 2023 को फाइनल हुआ था 20.50%, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, यही अभी तक इस पे प्रॉफिट मिल रहा है 20.50 के हिसाब से। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है कि इसमें विड्रॉ जो कर सकते हैं वो एक हफ्ते में 3 दफा जो है पैसे निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि रोज आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते। एक दो कंडीशन है इसकी सेविंग अकाउंट भी जो थोड़ी सी टफ है, जैसे डेली आप पैसे नहीं निकाल सकते, मतलब डेली भी निकाल सकते हैं लेकिन हफ्ते में 3 दफा निकाल सकते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप डेली ब्रांच गए और डेली आप पैसे निकलवा रहे हैं तो 3 दफा निकलवा सकते हैं एक हफ्ते में, उसके बाद नहीं निकलवा सकते, उसके बाद अगले हफ्ते में निकलवा सकते हैं। ठीक है, और मैक्स बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट के लिहाज से देखा जाए तो छोटी छोटी माइनर कंडीशन है इस टाइप की, पर वीक 3 ट्रांजेक्शन 3 दफा पैसे निकलवा सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें इशू है जो उसको मैं हाईलाइट करूंगा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से पहले, वो ये है कि जनाब इसका जो प्रॉफिट मिलेगा आपको वो मंथली नहीं मिलता है, ना ही 6 मंथ में मिलता है, ना ही इसमें ऐसा है कि इसकी फिक्स डेट है 30 जून 2000, हर महीने की 30 तारीख को, साल में एक ही दफा प्रॉफिट मिलता है इसको इसका, और 30 जून 2000 मतलब 30 जून को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीने पहले पैसा जमा करवाया है सेविंग अकाउंट में, तो 6 महीने में जो भी प्रॉफिट होगा उसका, तो 6 महीने के बाद मतलब ये कि 30 जून को ही, मतलब अकाउंट आपने 2 महीने पहले खुलवाया, 6 महीने पहले खुलवाया, 1 साल पहले खुलवाया, 8 महीने पहले खुलवाया, प्रॉफिट आपको मिलेगा 30 जून को। अगर 8 महीने पहले खुलवाया तो 8 महीने का प्रॉफिट, पूरे 8 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और 30 जून को आपको मिल जाएगा।
6 महीने पहले खुलवाया, 5 महीने खुलवाया पहले खुलवाया, तो 5 महीने पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और वो 30 जून को आपको मिल जाएगा। 1 साल पहले अकाउंट खुलवाया था तो जनाब पूरे 1 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और पूरे 1 साल का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये एक इशू है कि इसका जो प्रॉफिट है वो मैच्योरिटी पे मिलता, मतलब मैच्योरिटी कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हर साल 30 जून को इसका प्रॉफिट गिरता है। तो ये स्कीम तो बड़ी अच्छी, मतलब इनके सेविंग अकाउंट है तो बड़ा अच्छा, लेकिन इस पर अक्सर हम लोगों को इसलिए सजेस्ट नहीं करते कि इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 30 जून को हर साल 30 जून को क्रेडिट होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये एक थोड़ा सा माइनस सा इशू देख लीजिएगा कि आपको जो प्रॉफिट है वो मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, या 1 साल तक आप वेट कर सकते हैं, ये 30 जून का आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बहरहाल ओवरऑल ये सेविंग अकाउंट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग वालों की। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, टॉप 4 प्रोडक्ट्स को हमने आपके साथ शेयर किया। इसको रिपीट कर देता हूँ, हमारे लिहाज से जो नंबर 1 इस वक्त प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की स्कीम में रिवाइज होने के बारे में, नंबर 1 पे सीसा सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट, दूसरे नंबर पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट BSC, तीसरे नंबर पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और चौथे नंबर पे सेविंग अकाउंट। जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।